लोगों ने बताया कि एक हफ्ते से कोरोना वायरस से संक्रमण में आने के बाद तकलीफ झेल रहे थे वाजिद खान। लेकिन ये भी सच है कि वाजिद को इससे पहले से ही बेहद ही गंभीर बीमारी का दर्द सहना पड़ा था। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद किडनी में इन्फेक्शन की शिकायत लगातार वाजिद खान को होती थी, जिसके कारण बीते साल भी वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। लेकिन आखिर समय में ऐसी दशा क्यों हुई कि उन्होंने जिंदगी के इस जंग में हार मान ली? इस पर सवाल जब खड़ा हुआ तो वाजिद खान ने इसके बारे में शायद ही कभी सपना में देखा होगा ऐसा कि उनकी माँ भी इसी बीमारी के संक्रमण में आएगी, जो बीमारी उनकी जिंदगी निगल लेगी। कोरोना वायरस उनकी बीमारी का असली कारण बताया गया, लेकिन ऑलरेडी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, किडनी में इन्फेक्शन के बाद उनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी और इम्यून पावर लो होने के कारण उन्हें कोरोना से लड़ने में आसानी नहीं हो रही थी। और इन सब के बीच एक रिपोर्ट ऐसी आई है कि हार्ट अटैक भी उन्हें आया था। दरअसल अचानक सीने में दर्द होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। मुंबई के चैम्बर में सराना हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया, तब सीने के दर्द की शिकायत उन्हें हुई और इसी दर्द की वजह से अचानक उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। वेंटिलेटर में जब वाजिद खान को भर्ती कराया गया था तब भी इसी दर्द से गुजर रहे थे और घंटों में उनकी स्थिति और बिगड़ गई, जिसके बाद स्थिति को स्थिर करने में डॉक्टरों ने प्रयास किया लेकिन प्रयास असफल रहा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।